नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भारी बारिश को देखते हुए जिले में अलर्ट। DM ने शनिवार को सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने के जारी किए आदेश। डाउन बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डब्बे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जिले भर में बाढ़ का कहर जारी। नवगछिया के जमींदारी बांध में कटाव तेज, जल संसाधन विभाग का रेस्क्यू जारी। भाजपा की ओर से गांधी संकल्प यात्रा को लेकर क्षेत्रीय बैठक का हुआ आयोजन। 150वीं जयंती पर उत्साह के साथ भाग लेने की कही बात। और नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने नामांकन किया दाखिल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 28 सितंबर को जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का DM ने आदेश जारी किया है। DM ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है। साथ ही उन्होंने स्कूल गए सभी छात्रों को सुरक्षित घर भेजने का निर्देश शिक्षण संस्थान को दिया है। लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। भागलपुर जिले में बुधवार की रात से ही बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। हमें अलर्ट जारी किया गया है, तो हम लोग भी अपने नागरिकों से अपील करते हैं कि जो भी आवश्यकता के सामग्रियां हो उसे आज स्टोर कर लें, क्योंकि कल बारिश ज्यादा होने की संभावना है। भागलपुर के नाथनगर में शुक्रवार की सुबह डाउन बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से अचानक जनरल डब्बे में आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में बोगी धुएं से भर गया। इस दौरान डब्बे में सवार यात्री किसी तरह जान बचाकर भागे। हालांकि घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। यात्रियों ने बताया कि बोगी गेट के समीप बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण सभी पंखे और लाइट से चिंगारी के साथ धुआं निकलने लगा। इसी दौरान सभी यात्री बोगी से बाहर निकल गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ट्रेन नंबर थी 13242। ये बांका जाती है, राजेंद्र नगर से बांका जाती है। जब ये यहाँ लगभग 4:45 पास कर रही थी 4:45 में, तो इंजन से पांचवा बोगी में पूरा धुआं और आग दिखाई दिया। तब मैंने गार्ड को लाल सिग्नल और ड्राइवर को और गार्ड को वाकी टॉकी से बताया कि आपके ट्रेन में आग लगी हुई है, इसको रोक के। पूर्वी बिहार एवं कोसी में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा सभी जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण कई सड़कें ध्वस्त हो गई है। वहीं बाढ़ को लेकर सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन भी ठप हो गया है। नवगछिया के नरकटिया के समीप जमींदारी तटबंध में कटाव का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तटबंध में कटाव को देखकर ग्रामीण काफी सहमे हुए। कटाव की सूचना मिलते ही DM प्रणव कुमार गुरुवार को नरकटिया पहुंचे और हालात का जायजा लिया। DM ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को तटबंध बचाने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर तटबंध टूट जाता है तो भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि बारिश के कारण तटबंध बचाने में जुटे कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण खतरे को देखते हुए जरूरी सामानों के साथ सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। जिले में गंगा नदी के जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई है और इसके चलते फ्लड लाइक सिचुएशन है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और डिफरेंट जगहों पर जो जो ब्लॉक प्रभावित हो रहे हैं, जो जो पंचायत प्रभावित हैं, उन पंचायतों में नाव परिचालित कराए जा रहे हैं। उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और वैसे लोगों को जो भी आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जानी हैं वो कराने का लगातार प्रयास जारी है। कुछ स्थानों पर रोड पर भी पानी ओवरटॉप किया है, जैसे NH80 पर अंधेरा के पास रोड टॉप हुआ है, जिसके चलते वहाँ आवागमन को यातायात को अभी रोका गया है। इसी प्रकार सारकुंड अकबर नगर पट पर भी पानी ओवर टॉप किया है, वहाँ भी आज से परिचालन पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को स्थानीय होटल में गांधी संकल्प यात्रा को लेकर क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12 जिले के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और संगठन के प्रति समर्पित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। उन्होंने गांधी जी की 150वीं जयंती पर आयोजित संकल्प यात्रा में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की बात कही। प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा ने कहा कि गांधी जी सभी के विकास की बात करते थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत के प्रति लोगों में जागरूकता आए और लोग उनका अनुसरण करें। इस मौके पर अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह कुशवाहा, कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव, MLC डॉक्टर NK यादव, विधायक तारकिशोर भगत, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, डॉक्टर प्रीति शेखर, डॉक्टर मृणाल शेखर, जिला अध्यक्ष रोहित पांडे सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। पार्टी और 12 जिलों, जो हमारा जो क्षेत्रीय जिला है, 12 जिले का बैठक यहाँ सभी जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सांसद, पूर्व सांसद और इस प्रकार से जिला के 10 लोग भाग लिए हैं इस बैठक में। मूल रूप से इसे बैठक का संगठनात्मक है। 152 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हमने जो गांधी 150 यात्रा का प्रारंभ हमने नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा किया, माननीय प्रधानमंत्री ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। उसका लक्ष्य है कि हम पद यात्रा को 2 से लेकर के प्लास्टिक मुक्त भारत, पर्यावरण और वृक्षारोपण, इस प्रकार के स्वच्छता अभियान हम पद यात्रा के क्रम में ये अभियान चलाएंगे। इस बैठक का उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा का चुनाव 2020 में और बिहार के अंदर 243 सीट विधानसभा, तो 243 के 243 पर विजय हासिल करने के लिए संगठन की ये विशेष बैठक बुलाई गई है। विधानसभा उपचुनाव में नाथनगर विधानसभा से शुक्रवार को स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अशोक कुमार आलोक ने विधायक पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आलोक ने कहा कि यदि उनकी इस चुनाव में जीत होगी तो पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार से जोड़ना होगा। सरकारी संस्थानों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने व इसे जड़ से खत्म करने के लिए वह जनता की हर बात को विधानसभा पहुँचाने का निश्चित रूप से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी उम्मीदवार नाथनगर से विधायक रहे हैं, उनके दर्शन को जनता तरसती रही है। नाथनगर विधानसभा सिर्फ नाम का है, कभी इस क्षेत्र के कोई विधायक नहीं बने हैं। यदि जनता उन्हें मौका देगी तो वह निश्चित रूप से नाथनगर में विकास करेंगे। नामांकन में सैकड़ों लोग मौजूद थे। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में आज मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन दर्ज कर रहा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा तो नाथनगर है, लेकिन आज तक नेतृत्वकर्ता के रूप में यह अनाथ है। जितने भी यहाँ पर नेता आए वो सिर्फ अपने परिवारवाद, जातिवाद और अर्थवाद के चक्कर में फंसे रह गए। क्षेत्र की समस्या, खासकर किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, इन लोगों को देखने वाले कोई नहीं है। आधा क्षेत्र हमारा बाढ़ से डूबा रहता है, आधा क्षेत्र सुखाड़ से डूबा हुआ रहता है, इसे कोई देखने वाले नहीं है। इन्हीं को लेकर के जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाथनगर का विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और हमने तय किया है कि नाथनगर विधानसभा से उम्मीदवार निर्दलीय हम, चूँकि नाथनगर की जनता ने मुझे जिला पार्षद बनाया और बहुत अपार बहुमत देकर के जिताया था और हम लगातार संघर्ष करते हैं नाथनगर के सवालों को लेकर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909094।
8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में इन दिनों चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। गुरुवार की रात चोरों ने इसाकचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर गुमटी नंबर 3 निवासी मोहम्मद आजाद के घर से 2 लाख नगद सहित लाखों रुपए मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मोहम्मद आजाद ने बताया कि रात में वो अकेले घर में सोए थे, तभी रात के 1 बजे उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने मौजायदपुर में रहने वाले दामाद को फोन कर बुलाया और उसके साथ चले गए। इस दौरान उन्होंने पूरे घर में ताला लगा दिया था। सुबह में पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देख फोन किया, जिसके बाद घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा हुआ था, साथ ही कीमती सामान और नगद रुपए गायब था। पीड़ित ने घटना की सूचना इसाकचक थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। घर में कोई नहीं था, हमने ताला सब जगह जो है लगा दिया था, बाहर मेन गेट में भी, उसके बाद वाला जो ग्रिल वाला गेट था उसमें भी लगा दिया था, रूम में भी। ये घटना हुआ है लगभग 2 बजे के बाद। ये हमको 5 बजे भोर में जो हमारे पड़ोसी है हाफिज साहब, उसने हमको कहा कि जो है आपके घर का ताला टूटा हुआ है दरवाजे का। जब वो दरवाजे का ताला उसके घर में गेट में लगा दिया था छिटकिनी लगा के, कि ताकि निकले नहीं। सामने में एक जो है कोचिंग है, उसमें जो है उसका भी छिटकिनी लगा दिया। देश के साथ साथ छोटे शहरों में भी तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को लेकर शुक्रवार को स्कूली छात्र छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कचहरी चौक के समीप छात्रों ने स्लोगन लिखे, तख्तियों को लेकर शहरवासियों से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की। कार्यक्रम में नगर विधायक अजीत शर्मा ने भी भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं विधायक ने भी छात्रों के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में सेंट जोसेफ स्कूल, माउंट कार्मेल, डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये जनता को अवेयर कर दीजिए, अगर ये सब नहीं रुकेगा तो फिर ये बदलाव में देश का विकास बिहार का विकास, खास करके भागलपुर शहर का विकास नहीं हो पाएगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे। इसलिए क्लाइमेट चेंज पर विशेष फोकस है, अवेयरनेस निश्चित तौर पर पौधे लगाने चाहिए, पौधे काटने नहीं चाहिए। और हम लोग सरकार सब कुछ नहीं कर रही है, बच्चे लोग जितने ये देश के भविष्य ही बनाएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में शुक्रवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एके राय ने किया। इस दौरान कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही 10 अप्रैल की बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई। बैठक में एमएड की पढ़ाई विश्वविद्यालय में शुरू करने, LLM विषय एवं बायोटेक्नोलॉजी में सीट बढ़ाने, सिलेबस में बदलाव करने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं MBA विभाग के डायरेक्टर पवन पोद्दार ने भवन की जर्जर हालत से कुलपति अवगत कराया, जिसके बाद कुलपति ने स्थल निरीक्षण कर आगे कार्रवाई करने की बात कही। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IIT कानपुर ने वर्ष 2019 SKD मेमोरियल पुरस्कार के लिए भागलपुर के रेंज DIG विकास वैभव का चयन किया है। बेगूसराय के मूल निवासी विकास वैभव ने IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। DIG विकास वैभव को मानवीय मूल्यों को धारण करते हुए सर्वोच्च व्यावसायिक अखंडता को लेकर 2 नवम्बर को IIT कानपुर परिसर में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भागलपुर SSP आशीष भारती ने अनुसंधान में लापरवाही और समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने को लेकर 2 ASI को निलंबित कर दिया है। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र में हत्या मामले में थानेदार सुनील कुमार झा द्वारा निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण आरोपित पार्षद उमर चांद को कोर्ट से जमानत मिल गया। SSP ने थानेदार की लापरवाही मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं SSP ने सबौर थाना में पदस्थापित ASI नंद किशोर पासवान को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। बिहार के चर्चित 1600 करोड़ रुपए से अधिक सृजन महाघोटाले मामले में CBI ने गुरुवार को सृजन महिला विकास समिति की सचिव रजनी प्रिया, संचालिका मनोरमा देवी और अमित कुमार समेत 44 लोगों पर विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। CBI के विशेष जज गुंजन कुमार की अदालत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में घोटाले से जुड़े 3 अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें कल्याण विभाग से 115 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, भू अर्जन कार्यालय से 162
करोड़ और डूडा से 10 करोड़ रुपए अवैध निकासी का मामला शामिल है। इन तीनों मामलों में 44 लोगों को सीबीआई ने आरोपित बनाया है। सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कल्याण विभाग, डूडा और भू अर्जन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मी को आरोपित बनाया है। बैंकों से अवैध निकासी और हेराफेरी के खेल में सीबीआई ने डूडा के 3 कार्यपालक अभियंता, 2 क्लर्क के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक सरफराज उद्दीन, अतुल रमन, नैर आलम, बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक दिलीप कुमार ठाकुर, सृजन महिला सहयोग समिति की सचिव रजनी प्रिया, सरिता झा, वंशीधर झा, रामकृष्ण झा और सृजन की संचालिका रही मनोरमा देवी को चार्जशीट में आरोपित बनाया गया है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भारी बारिश को देखते हुए जिले में अलर्ट। डीएम ने शनिवार को सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने के जारी किए आदेश। डाउन बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डब्बे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जिले भर में बाढ़ का कहर जारी, नवगछिया के जमींदारी बांध में कटाव तेज, जल संसाधन विभाग का रेस्क्यू जारी। भाजपा की ओर से गांधी संकल्प यात्रा को लेकर क्षेत्रीय बैठक का हुआ आयोजन, 150वीं जयंती पर उत्साह के साथ भाग लेने की कही बात। और नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने नामांकन किया दाखिल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।